छोरे मैं थोड़ा सा शोगल लगाता हूँ, तुम लोगों के मसले हैं छोटे वो मेरे नहीं, तभी सबको मैं भाता हूँ। पिक्चर लगी है पिक्चर देखो, अदाकारों को छेड़ो ना छोरे, तुझ में कमी है क्यों करता बहस। आप लोगों ने गुजराती म्यूजिक सुना है? नॉन म्यूजिक आपने, आप सुनते नहीं हो बट आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। देखो मुझे गुजराती लोग तो बहुत पसंद है, बट मुझे लगता है गुजराती म्यूजिक जो है वो लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बनाया है। आप देखो हर गुजराती गाना ना ऐसे ही शुरू होता है, ए तारी ए तने। हर गाना एक एक गाना है, बहुत ब्यूटीफुल लिरिक्स है, मैं हिंदी में पहले बताता हूँ। मेरी डाल पे मोर बैठा है क्या कह रहा है, क्या सुनने में ऐसा कोयल जैसा लगा, हालांकि मोर बैठा है बट सुनने में कितना मधुर लग रहा है, प्यारे लिरिक्स। और अब गुजराती में ये गाना पता है कैसे है, मारे टोडले बैठो रे मोर का, तुम्हें लग रहा है मोर कहां बैठा है। I love Gujarati and I love Gujarati people mostly. The reason मैं उन लोगों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, मेरे सारे दोस्त हम भी गुजराती हैं, मैं भी गुजरात से हूँ, और मुझे पसंद ये चीज़ थी इनकी कि काफ़ी शांत स्वभाव के होते। लाइक मेरा एकदम नेचर अगर एकदम शांत रहा होगा ना बचपन में, तो मेरे गुजराती दोस्तों की वजह से, मतलब किसी के साथ धक्का भी लग जाता अपन बोलता है ये तो मेरा गुजराती तो पकड़ लेता था, ये चाल है राखे जवा दे कुछ भी होता है ना बोले ना होए, वो मानेगा नहीं ना होए, तो तेरी बहन भाग गई ना होए, नहीं मानता नहीं मानते। और मुझे ये भी लगता है कि काफी स्वीट होते, काफी स्वीट। अब मुझे ऐसा लगता था कि ये स्वीट इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, तो मेरा एक थ्योरी था। आप लोगों को पता है गुजराती लोग अपने खाने में शक्कर डालते, दाल में, कड़ी में, सब्जी में, हर चीज़ में शक्कर डालते। मेरे को नहीं पता था, मैं छोटा था, मेरा एक दोस्त है भूरा भूरे के फैंस तो फिर बीच में भूरे की कहानी सुनाई देता हूँ, ठीक है चलो। तो भूरा मेरे को, मेरा दोस्त है, मेरे को उसके घर पे मैं खेलने गया था, छोटा था मैं, तो उसकी माँ ने बोला बेटा जमीन है जजे, बेटा खाना खा के जाना, तो खाना अपनी कमजोरी है, मैं बोला ठीक है जम के जाएंगे, बताओ कहाँ है फ्रिज। मैं समझ गया खाना खाने बोल रही, तो मैं बैठ गया, खाना आया, भूरे का बाप बैठा है बाजू में, और किचन में आवाज लगाया दक्षा दाड़मा खांड ओछी छे, दक्षा दाल में शक्कर कम है। I was like, दाल में शक्कर है और ये शक्कर को खांड बोलते हैं। एक खांड कितना वियर्ड वर्ड है, उसमें से अगर एक अल्फाबेट निकाल दो दोस्तों, डी निकाल देंगे तो वो खान हो जाएगा, तुम लोग सब नीच हो। सब लोग जज कर रहे कितना गंदा हूं मैं, सच में ना दो लोग दोस्त बात करेंगे यार शिट यार अपन कितने गंदे यार, मैंने सोचा गांड तो बोल रहा है ओ तो तेरे से ज्यादा गंदा मैं हूं। अब बैठे हुए खाना, मैं बोला अभी अपने को नहीं जमता है, अपने को आदत नहीं है बचपन से स्पाइसी खाने की आदत, मुस्लिम फैमिलीज में स्पाइसी खाना बनता है, आप लोग सबको पता है, मीठी दाल कौन खाए तो वहां पे थी मिर्ची, आई वाज लाइक बैलेंस करते मैंने मिर्ची उठाई खाई, अब वो थी भरेला मर्चा, आई टेल यू व्हाट भरेला मर्चा इज, मिर्ची रहती है उसको काटते उसके अंदर बेसन डालते, बेसन के अंदर शक्कर डालते, वो मिर्ची है, वो बनी है तीखा खाने के वास्ते
मैं बोला ये अपने से नहीं होएगा भाई, अपने को नहीं आदत बचपन से स्पाइसी खाने के, मुस्लिम लोग हैं यार हम लोग, वेडिंग में भी ऐसा फोटो लेने के टाइम पे चीज की जगह बीफ बोलते अरे आ जाओ, अरे सब लोग नहीं आ रहे, अरे तो इतने बच्चे नहीं पैदा एंड आई थिंक यही रीजन है, यही थ्योरी है मेरा कि गुजराती लोग शक्कर इतना खाते ना इसलिए स्वीट है। और सही में गुजराती लोग, आप लोगों को लगता है बहुत स्वीट होते, मेरा तो ये तक का थ्योरी है कि अगर हिटलर को सब जानते, अगर हिटलर गुजराती होता तो World War II नहीं होता। नहीं सही में आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या बोल रहा है, नहीं सही में मेरे पास थ्योरी है पूरा, उसका नाम हितेश होता उसका हिटलर जैसा मूछी था जेठालाल हिटलर का साइन पता है क्या था, ऐसा हेल हिटलर, इसका क्या रहता हितेश का रोकड़ा बढ़िया बढ़िया आदमी होता हितेश। होलोकॉस्ट के बारे में पता है आप लोगों, जिसको नहीं पता होलोकॉस्ट के बारे में हाथ ऊपर बता दो, आपको 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 ठीक है, होलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता मैं बताता हूँ। होलोकॉस्ट जूइश लोगों को हिटलर ने गैस चैम्बर्स जमा किया था, उसमें भड़काव करके मार डाला था, ठीक है। हितेश होता तो होलोकॉस्ट नहीं होता, हालो कॉस्ट होता। वहाँ पे लगे हुए होते खाने के काउंटर्स, ढोकले के काउंटर्स, खाखरे, चाइनीज लोग आ रहे चॉपस्टिक लेके, बोले ये डांडिया चाहिए लाओ। जूइश लोग को हितेश इतना ढोकला खिलाता उन लोग गैस से मर जाते। और हिटलर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हिटलर वॉज अ प्योर वेजिटेरियन एनिमल लवर, पता है आप लोगों को, ही वॉज प्योर वेजिटेरियन एनिमल लवर। That's a fucking Gujarati thing. वो खुद का रेस्टोरेंट खोल सकता था, स्वस्तिक प्योर वेज। ये जोक मैं IQ टेस्ट करने के लिए करता हूँ लोगों, सर जीरो। बढ़िया होता। और आप लोगों को पता है हिटलर ने क्या कहा होगा जब कैदियों को ऐसा डिटेंशन सेंटर में डाला होगा कि कैदियों को खाना मत दो, गांड मार दो। हितेश बोला होगा ना खाना दो, थोड़ा खांड डाल दो। एंड आपको पता हिटलर का ड्रीम क्या था, किसी को पता हिटलर का ड्रीम क्या था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। That sounds like a Gujarati dream. But अगर गुजराती होता तो किसी को मार के दुनिया मुट्ठी में नहीं करता, सिम कार्ड बेचता हूँ दुनिया मुट्ठी में। सिम कार्ड बेच, किसी को फंड दे, वो लोग मारेंगे ना सबको। और हिटलर, आप लोग पता है हिटलर की डेथ कैसे हुई, किसी को सुसाइड राइट ब्रो, व्हाट्स योर नेम, हर्षित तो सुसाइड क्यों करेगा, ये सोचने भी लग गया। यकीन मानो मैंने उसके आंखों में देखा, उसने क्या किया पता है, मेरी फट गई कि और एक किस। भाई तू ऐसा क्यों डराया मेरे को। हाइपोथेटिकली व्हाट विल बी द रीजन दैट यू थिंक के ओके अब सुसाइड करना चाहिए, मतलब लाइक लाइफ खत्म हो गई, व्हाट इज योर रीजन। हाँ FIR पे सुसाइड, अबे FIR पे मैं जोक मार रहा हूं। नहीं जेन्यून सर, व्हाट यू थिंक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट यू विल थिंक के ओके एंड द लाइफ, आप भी बता दो, तेरे को इतना शौक इससे पूछ रहा था, बोले भाई मैं सोच के रखा हूं, छुरियां चल रही हैं।
सर आप बता दो फिर तू बता दे. यू थिंक याद नहीं आ रहा तो तूने सोचा था. कह रहे मैं जब पांचवी में था मैं सोच रहा था कि मैं पेंसिल पे बैठ जाऊं. याद नहीं आ रहा. ओके आप फुल रेडी हो. अबे तो डिप्रेशन में ही इंसान सुसाइड करता है. रीजन पूछ रहा हूं कि वो डिप्रेशन का रीजन ब्रेकअप हो गया. तो आर यू सिंगल? हाउ ओल्ड आर यू? 23. तो कोई गर्लफ्रेंड तो रही होगी. रिलेशनशिप क्या कैसे ब्रेकअप हुआ? क्या नीच लोग हो तुम लोग यार. अगले का ब्रेकअप हो गया तुम लोग बोले ये क्या कर रहे हो यार. हाँ लॉन्ग डिस्टेंस. क्या कितना लॉन्ग डिस्टेंस? बोले भाई पालघर में रहती थी. लंदन. ओके तो फिर वहां पे लंदन में उसको उसने किया या तूने किया? तू तो वीडियो कॉल में भी खुश था उसी ने किया. ऑब्वियसली उसी ने किया. उसी ने किया क्या बोल के? भाई मजा ही आ जाएगा ना अगर ये बोले कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और आज मैं यहाँ नहीं हूँ मेरी आत्मा है क्योंकि मैंने 4 साल पहले सुसाइड कर चुका हूँ. अबे तो तू मरा क्यों नहीं? तू बोला ब्रेकअप पे मर जाना चाहिए. सबको मरने बोल रहा है खुद हिला. हाँ यू कंट्रोल योर सेल्फ. तुझे थॉट आए होंगे तभी तेरे मुंह से निकला ना. नहीं नहीं आया. ओके बट इट्स जेन्यून. मैं ये मेरा क्वेश्चन ही ये था कि सुसाइड इंसान कौन से सिचुएशन में करता है. हिटलर ने सुसाइड किया था. सुसाइड और सुसाइड में आपको बताऊँ 71% इंडिया में सुसाइड का रीजन बताता हूँ. लव लॉस एंड मनी लॉस. यही रीजन से सुसाइड होता है इंडिया में. आई वाज लाइक हिटलर को इसमें से क्या हुआ होगा? लव मनी लॉस क्या होता है? अगर कर्जा होता और हिटलर गुजराती होता तो देश छोड़ देता सुसाइड नहीं करता. लव लॉस क्या होता है? खुद बंदी छोड़ के प्रधानमंत्री बन जाता. कितने मुस्लिम थे? नाइस. व्हाट्स योर नेम ब्रो? सैफ. आपके नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते जो आपको ऐसा लगता है यार जाना यार. पता है कुछ अजीब ही क्वेश्चन. मेरे दोस्त लोग बहुत हरामी हैं. उनका सबका एक ही सवाल है सालों से कि 4 बीवी. और ऐसा भी नहीं कि पूछ रहे कि भाई 4 बीवी क्यों नहीं. मजे लेते 4. ये मुंह बनाते 4. ये के? और ऐसे पूछेंगे जैसे कोई खुफिया बात है कि भाई आपस में लड़ते नहीं? मैं बोला हाँ लड़ते ना. लूडो खेलते. जो जीतता है साथ आके सोता है. ऐसे नहीं होता यार. ऐसे नहीं होता. अब ये हर बार कैसे आंसर करना वो समझ नहीं आता. यस क्या हुआ? मेरे शो में बीच में ऐसा कुछ होता फट जाती है. ले चलो फिर आप लोग बोलोगे कि अरे इतना तो कुछ बोला भी नहीं फिर भी लेके जा रहे हो. नॉस्टैल्जिया. बढ़िया. नहीं तो मेरे साथ ये बहुत होता है. बहुत अजीब दोस्त. एक बार क्या हुआ ना, एक बार मैं अपनी मेरी एक फ्रेंड है मैं और हम दोनों को वर्किंग स्पेस पर है स्टारबक्स. तो हम बैठ के वहाँ पे काम कर रहे थे नॉर्मली. ठीक है मैं भी चिल हूँ लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ.
मस्त हेडफोन लगा के स्पॉटिफाई पे एड सुन रहा हूँ। इतना भी मेरी दोस्त आके मेरे को बोलती है, सुन मुझे तेरे से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जरूरी बात करनी है। मैं बोला वेटर एसी बंद करो। तो वेटर बोला वो सेंट्रल एसी है, वी बिलीव इन मास डिस्ट्रक्शन, अमेरिकन कंपनी। तो मैं बोला हाँ ठीक है, क्या हुआ बता? तो बोले मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग तुम मुस्लिम्स की वजह से हो रहा है। उसने कितना क्यूट इल्जाम लगा रही है, इसको पता ही नहीं हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि तुझे ऐसा लगता क्यों है? तो बोले तुम लोगों का पॉपुलेशन, तुम लोगों का पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है और उसकी वजह से इतने बच्चे पैदा हो रहे, इतनी फैमिलीज बढ़ रही है कि जंगल काटने पड़ रहे और जंगल काट के प्रॉपर्टीज बनानी पड़ रही है। तुम लोगों ग्लोबल वार्मिंग का रीजन, तुम्हारी वजह से प्रॉपर्टीज बन रही है और जंगल कट रहे। आज लेकिन वो प्रॉपर्टीज में हम लोग अलाउड नहीं है। थर्टी 38% मॉडर्न प्रॉपर्टीज इन इंडिया डोंट अलाउ मुस्लिम फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजन। ऐसा बिल्डर ऐसे बोल देते, कह रहे सर आपको नहीं दे सकते, सर सर आप उधर उधर ले लो ना, वो उधर वो वेस्ट में। बोले कहाँ? बोले वो उधर वो पाकिस्तान। खाना खाना टेस्ट। मैं क्यों लूंगा? मेरा देश है भाई ईस्ट में, मैं अपने देश में लूंगा, बांग्लादेश। कैसा लगेगा ना मैं बांग्लादेश जाऊंगा? बंगाली लोग कंफ्यूज, बोले ये हम वहां जा रहे, ये वहां से आ रहे। वहां आएंगे बोले अरे तुम इंडिया से आ रहे हो। बोला हाँ तू क्यों जा रहे? बोले जॉब। बोला नहीं है। बोले तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुम गुजरात ये इंडिया से हो? तो मैं आधार कार्ड दिखाऊंगा। वो बोले हमारे पास चार चार है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन को बोलते थे तुम नॉनवेज खाते हो। डिफरेंट डिफरेंट रीजन। आप लोगों को पता है बैचलर्स को भी घर नहीं मिलता है, बहुत सारे बैचलर्स को भी इजीली घर नहीं मिलता। तो इफ यू आर बैचलर एंड मुस्लिम, तुम तो चुत गए। तुम्हारे को तो मुसाफिर खाने में ही रहना पड़ेगा। एंड बीइंग मुस्लिम यू आर सो लाइक, तुम्हारा पावर कितना कम है किसी को कन्विंस करने का कि तुम्हारे पास अगर फैमिली नहीं है तो तुम्हें रहने के लिए घर नहीं मिलेगा। बट अगर तुम गुजराती हो और तुम्हारे पास बीवी नहीं भी है फिर भी तुम्हें देश चलाने मिल सकता है। That's why Gujarati is my favorite.